देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग। बिजनौर में जिला अस्पताल में भर्ती एक बुजुर्ग महिला की अस्पताल स्टाफ की लापरवाही के चलते मौत हो जाने के बाद गुस्साए परिजनों ने अस्पताल के वार्ड में जमकर हंगामा किया। परिजनों द्वारा वार्ड में तोड़फोड़ भी की गई। घटना की सूचना अस्पताल प्रशासन द्वारा पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया और परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने कार्यवाही का परिजनों को आश्वासन दिया। आपको बता दें कि बिजनौर जिला अस्पताल में आए दिन स्टाफ की लापरवाही की सूचना आती रहती है। आज सुबह 8 बजे अस्पताल में 55 साल की रामकली बुजुर्ग महिला निवासी गंगवाला थाना कीरतपुर को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आरोप है कि उपचार के दौरान बुजुर्ग महिला की 4 बजे मौत हो गई। महिला की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा भी किया। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल स्टाफ द्वारा उनके मरीज को ऑक्सीजन नहीं लगाई गई, जिसके चलते अस्पताल में बुजुर्ग महिला ने दम तोड़ा। अस्पताल में हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित परिजनों की शिकायत पर कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद परिजनों द्वारा मृतक बुजुर्ग महिला को अपने घर ले जाया गया। गंगावाला सबूतपुर है, ये मेरे रिश्तेदार है, क्या नाम है, गंगावाला गांव के छितावर के पास गांव पड़ता है, ठीक है भाई। और हमारा मरीज गंभीर था, थोड़ा सा सही था, बोल चाल रहा था, सब बोल बैठ रहा था, उठ भी रहा था। हम मरीज को हके लेकर आए, इन्होंने कहा भाई बाहर की दवाई लिख दी, इन्होंने बाहर की दवाई लिखी इन्होंने 5,000 रुपये की, हम दवाई लेकर आए 5,000 रुपये की, हमने दवाई दी दी भाई। हम भूख से परेशान हो रहे, हमने रोटी नहीं खा रखी थी, सुबह तक खाना नहीं खा रखा था, हम सुबह खाना खाने चले गए हम दोपहर को, हमारा मरीज की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। इन्होंने कहा यार कोई बात नहीं भाई, हम सही हो जाएगा, मगर अगर कोई दिक्कत हो तो हम बाहर ले जाएंगे, इतना दिक्कत हो तो हम यहाँ छोड़ देंगे, इतना ठीक है कोई दिक्कत नहीं। 18 साल की लड़की भेज रहे हैं जंक्शन भी, वो उल्टा लगा रही हो, उनका सीधा लगाना नहीं आता जंक्शन, उल्टा जंक्शन लगा रहे थे पड़ोसी वालों को, वो भी हमने ही बताया। अब हमारा मरीज मर गया, दवाई खुला दी हमने 200,000 रुपये की बाहर की लिख लिख कर, इनका कमीशन रहता बाहर के मेडिकल वालों से, ठीक है भाई साहब। अब ये बाहर के मेडिकल वाले से शाम को जाते हैं कमीशन ले लेते हैं। ये 18 साल की लड़की आ रही है, फोन पे बात करती है, व्हाट्सएप चलाती है, ये कोई तरीका थोड़ा है क्या कहते हैं पूरे मामले में? हाँ जी, मेरा कहना मतलब ये है, अब ना तो कोई 2 रुपए चाहिए, ना हम किसी का फालतू पैसा लेना चाह रहा है। कभी सोचो आप, ये हंगामा कर रहे हैं 2 रुपए के लिए, हमें तो पैसे एक नहीं चाहिए। मेन बात ये, हमारा तो बुजुर्ग आदमी जो गुजर गया, बट जो जो यहाँ पे जवान आदमी बड़ा है उनकी केयर हो जाए, बात खत्म। आपने हंगामा किया था, क्या वजह थी? हमारी ये वजह थी, हमने कहा कि हमारे मरीज को ऑक्सीजन लगा दो, मरीज हमारा गंभीर है, इन्होंने कहा ऑक्सीजन लगा देंगे। इन्होंने ऑक्सीजन नहीं लगाई, जब हमारा मरीज गुजर गया, जब ऑक्सीजन लेकर आ रहे हैं, इस बात पे मैंने हंगामा करा सर, बाकी मेरी कोई दिक्कत नहीं है। बिजनौर से संवाददाता सलीम अहमद की रिपोर्ट, यूपी क्राइम न्यूज। आप देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग।